अनिल जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ लक्ष्मी नमस्कार और कॉलेज को नमस्कार। जी सर मेरा सवाल यह है कि मेरे वाइफ के कोई रिलेटिव ने मैं पेंशन प्लान लिया था इसका इंश्योरेंस का 2009 नवंबर में, जी और उसका 30,000 रुपये प्रीमियम था। तो वो जी एक साल प्रीमियम देने के बाद उनको कुछ फाइनेंशियल दिक्कत हुई, तो मेरी वाइफ ने उनको 30,000 प्लस एक साल का एफडी का ब्याज 33,000 करीब उनको पेमेंट करके और वो पॉलिसी अपने नाम से साइन करा ली उनसे। जी उसके बाद फिर 3 साल उन्होंने प्रीमियम दिया मेरी वाइफ ने 30,000 रुपये के हिसाब से, जी और 2012 तक 2009 10 11 12 4 साल प्रीमियम दे दिया। अब वो जी पेंशन प्लान था तो पेंशन हमें लेनी ही थी, तो हमने 2023 मई में उसको सरेंडर करके उसकी पेमेंट ले ली, जी तो 3,56,000 रुपये करीब उसकी पेमेंट मिली है। तो मैं यही जानना चाह रहा था जो उसमें गेन हुआ है वो 111 112 सेक्शन में या नॉर्मल जो कैपिटल गेन उसमें कैसे ट्रीट होगा, उसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, वो 1 लाख वाला जो फ्री होता है टैक्स गेन वो मिलेगा, कैसे उसको ट्रीट होगा। देखिए, जो सेक्शन 10-10D एक होता है, उसके अंतर्गत इंश्योरेंस में जो आपको पूरा का पूरा आता है, क्लेम आता है, वो माफ होता है। पर शर्त ये होती है कि आपका जो प्रीमियम है वो 20% से ज़्यादा, इंश्योर्ड वैल्यू की 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो फिर वो 10-10D का फायदा नहीं मिलता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बाई चांस आप इस लिमिट में फॉल नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका वो 20% से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि थोड़ी सी पॉलिसी को बारीकी से देखना पड़ता है। तो ऐसे हालात में अगर ये यूलिप के अंडर है, मतलब वहां एक्विटी का कोई कंटेंट है, तो सेक्शन 112A में 1 लाख रुपए तक का आप फायदा उठा सकते हैं। उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके ऊपर लगेगा। तो अब ये थोड़ा सा पॉलिसी को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, पर मैंने आपको पैमाने बता दिए, पैरामीटर्स बता दिए, बाकी पॉलिसी की बारीकियों के आधार पर तय होगा टैक्स जी कितने जी बनते हैं जी आपको। चलिए अनिल जी, तो इस हिसाब से पॉलिसी के बारीकियों को देखिएगा और जिन पैमाने को बताया उस पैमाने के आधार पर अपना टैक्स का कैलकुलेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलते हैं मुंबई, जहाँ से एस नारायण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नारायण साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ये एक ग्रेच्युटी के मैटर में बात कर रहा हूँ जी। हाईकोर्ट अपना जजमेंट में ऑर्डर किया है कि एम्प्लॉइज और टीचर्स को ग्रेच्युटी दिया जाए विद 10% इंटरेस्ट एज पर द पे प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। जी ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रेच्युटी इज नॉट टैक्सेबल। तो मुझे एक क्लैरिफिकेशन पूछने का है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट पोर्शन। अच्छा, अब इंटरेस्ट जो अमाउंट है रिसीवेबल है वो क्या उसमें टैक्स लगेगा कि नहीं देना लगेगा पड़ता है क्या? जी नारायण साहब, जो जो इंटरेस्ट पार्ट है वो तो टैक्सेबल होगा, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो स्केड्यूल IFS होता है उसमें आपको उसको दिखाना पड़ेगा। ग्रेच्युटी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ग्रेच्युटी के प्रावधान है आयकर अधिनियम के अंतर्गत, अगर आप उसमें एग्जेम्प्ट आ रहे हैं तो बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा, पर ब्याज जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखा के आपको नारायण साहब उस पर टैक्स देना देना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं दिल्ली, जहां से राजवंशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजवंशी जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या उलझन है बताइए, टैक्स गुरु हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरी टोटल इनकम जो है टैक्स के दायरे में नहीं आती है जी, इसलिए कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और ना ही कभी 26AS को देखा वेरीफाई किया। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बताएं जी। इस साल के शुरू में बैंक की कुछ FDs मैच्योर होने पर पाया कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 2021-23 में दिए गए इंटरेस्ट पर TDS काटा गया है जी, फॉर्म 15G सबमिट करने के बावजूद। अब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 2022-23 का TDS अमाउंट रिफंड क्लेम करने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ राजवंशी जी, दोनों के दोनों साल मेरे ख्याल इसीलिए लक्ष्मण पूछ रहे हैं, वो टाइम बार्ड हो चुके हैं, मतलब उस रिटर्न्स को आप नहीं फाइल कर सकते। परंतु इसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं, एक सेक्शन 119(2)(b) है राजवंशी साहब, नोट कर लें। इसके अंतर्गत आप अपने इलाके के कमिश्नर को एक एप्लीकेशन लिखें, वो आपको स्पेशल अधिकार दे के आपके लिए परमिशन देंगे कि आप उस रिटर्न फाइल करके उस अमाउंट को वापस रिफंड ले सकते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर के अंडर नहीं, 119(2)(b) के अंतर्गत आप ले सकते हैं। 119(2)(b) उस सेक्शन को नोट कर लीजिए, इस सेक्शन के तहत एप्लीकेशन देंगे तो आप उसको दोबारा आपको रिटर्न फाइल करने की अपडेट करने की इजाजत यहाँ पे मिल जाएगी। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा राजवंशी जी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे कि विरासत मिली संपत्ति पर क्या कहते हैं टैक्स के नियम, बताएंगे छोटे से।